नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना और आज हम बात करने वाले हैं नौकरियों की। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको नौकरी चाहिए, क्या आपने अभी अभी नौकरी ढूंढनी शुरू की है या फिर पहले से नौकरी ढूंढ रहे हैं। और अगर आप इनमें शामिल हैं तो आपके लिए बेहतरीन वक्त आने वाला है। दरअसल सरकार के आर्थिक रिफॉर्म्स का असर दिखने लगा है और कुछ सेक्टर में बंपर नौकरियों के मौके बनने की उम्मीद है। ये नौकरियां कहां कहां पर है? ऑटो सेक्टर, सेल्स, रिटेल, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और इसे लेकर हम आपको तीन रिपोर्ट्स पे दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस सेक्टर में कौन कौन सी नौकरियों के मौके बनने जा रहे हैं। हमारे इस खास शो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। नौकरियों की बाहर आने वाली है। नौकरियों के बड़े मौके, जॉबलेस ग्रोथ का होगा दी एंड। पिछले कुछ दिनों से देश में जॉबलेस ग्रोथ का मुद्दा छाया हुआ है। जॉबलेस ग्रोथ यानी ग्रोथ तो है, पर ना तो सरकार और ना ही निजी सेक्टर लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर पा रहे हैं। ऐसे में माइकल पेज की इंडिया सैलरी बेंचमार्क 2018 रिपोर्ट काफी राहत की खबर लेकर आई है। इस रिपोर्ट को देखकर कहा जा सकता है कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें इस साल मनपसंद नौकरी मिल सकती है। दरअसल रिक्रूटमेंट कंपनी माइकल पेज ने इंडिया सैलरी बेंचमार्क 2018 रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होने से भारत में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। स्टडी में कहा गया है कि सरकार के मेक इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ तेज होने और टेक्नोलॉजी के रोल बढ़ने से हायरिंग में बढ़ोतरी होगी। यानी सरकार ने रिफॉर्म्स को लेकर जो कदम उठाए थे धीरे धीरे उनका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। माइकल पेज ने इंटरनल डेटा और बड़ी कंपनियों पर जो रिपोर्ट तैयार की है उससे नए जॉब ट्रेंड और नौकरी बदलने पर इंक्रीमेंट की संभावनाओं का भी पता चलता है। लेकिन अब जरा देखिए कि किन सेक्टर्स में जॉब की डिमांड बढ़ेगी। सेल्स और मार्केटिंग। रिपोर्ट के मुताबिक हर इंडस्ट्री में अच्छी लीडरशिप स्किल वाले सेल्स प्रोफेशनल्स की मांग रहेगी। मार्केटिंग के लिए कंपनियों को कंज्यूमर और डिजिटल सेगमेंट में एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों की तलाश होगी। ई कॉमर्स और इंटरनेट, एनर्जी, प्रोफेशनल सर्विसेज और केमिकल कंपनियां ऐसे लोगों की अधिक हायरिंग कर सकती हैं। सेल्स रीजनल या एरिया सेल्स मैनेजर्स और डिजिटल मार्केटिंग हेड के लिए प्रोफेशनल्स की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में नौकरी बदलने पर 21-25% की एवरेज सैलरी हाइक का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंस और अकाउंटिंग। 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ई कॉमर्स सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी कंपनियां निवेश बढ़ा रही हैं। इसलिए इन सेक्टर्स में लोगों की मांग बढ़ेगी। इसमें ऐसे लोगों को आसानी से नौकरी मिल सकती है जिनके पास फंड जुटाने और इन्वेस्टर रिलेशंस का एक्सपीरियंस हो। हेल्थ केयर, FMCG मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी रोजगार के लिहाज से टॉप इंडस्ट्रीज होंगी। इन सेक्टर्स में चीफ फाइनेंस ऑफिसर या कंट्रोलर, कॉर्पोरेट फाइनेंस और टैक्स हेड की मांग ज्यादा होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सेक्टर्स में नौकरी बदलने वालों को 21-30% की सैलरी हाइक मिल सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR प्रोफेशनल। माइकल पेज की रिपोर्ट के मुताबिक एनालिटिकल और एजुकेशन पर फोकस करने वाले HR प्रोफेशनल्स की काफी मांग है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लीडरशिप और हाई वॉल्यूम हायरिंग का तजुर्बा रखने वाले HR प्रोफेशनल्स को भी कंपनियां हायर करना चाहती हैं। ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या में नियुक्ति कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों को कंपनसेशन और बेनिफिट्स, HR बिजनेस पार्टनर इन सेल्स और टैलेंट मैनेजमेंट का तजुर्बा रखने वालों की तलाश होगी। लीगल एक्सपर्ट। रिपोर्ट की माने तो इन हाउस लीगल रोल के लिए टैलेंट की मांग काफी रहेगी। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में लिटिगेशन स्पेशलिस्ट और कंप्लायंस रोल के लिए प्रोफेशनल्स की अच्छी मांग होगी। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स, FMCG, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी कंपनियां ऐसे लोगों की बड़ी संख्या में हायरिंग कर सकती हैं। जो लोग इन पोजीशंस के लिए नौकरी बदलेंगे उन्हें 26-30% की सैलरी हाइक मिल सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में मौके। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी का क्षेत्र नौकरियों के हिसाब से आकर्षक होता जा रहा है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के चलते कई कंपनियों के बिजनेस में बदलाव हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनियों, एग्रीगेट्स, फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनियों में ऐसी स्किल रखने वाले लोगों की अच्छी मांग रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का अनुभव रखने वालों को कंपनियां हाथों हाथ लेंगी। इस सेगमेंट में नौकरी बदलने पर एवरेज सैलरी हाइक 26-30% की हो सकती है। डिजिटल और एनालिटिक्स, 2018 में भी डिजिटल और एनालिटिक्स टैलेंट की मांग बढ़ेगी क्योंकि कंपनियां डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का दायरा बढ़ा रही हैं। नए उद्योगों की तरफ से भी ऐसे टैलेंट की मांग बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर बिजनेस के लिए बिग डेटा और एनालिटिक्स जरूरी हो गए हैं। डिजिटल और एनालिटिक्स सेगमेंट में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स और मीडिया में अच्छी हायरिंग हो सकती है। इनमें डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा प्रोफेशनल, मशीन लर्निंग और रिस्क एनालिटिक्स की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। डिजिटल और एनालिटिक्स सेगमेंट में नौकरी बदलने वालों की सैलरी 31-35% बढ़ सकती है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए पूरे साल में इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के मजबूत बने रहने की संभावना है। माइकल पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों सेगमेंट में केमिकल, पेंट, इंजीनियरिंग, FMCG और रियल स्टेट अच्छी हायरिंग कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में एवरेज सैलरी 23% से लेकर 45% रह सकती है। यानी कुल मिलाकर आप अपना CV अपडेट रखें, जॉब साइट्स पर नजर बनाए रखें और इंटरव्यू की तैयारी ठीक से करें। इसके बाद हो सकता है कि आप जैसी नौकरी चाह रहे हो जल्द से जल्द आपको वैसी ही नौकरी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आप ये भी जानिए कि देश का ऑटो सेक्टर जो कि इस समय नई टेक्नोलॉजी से गुजर रहा है, ऐसे में जहां कुछ नौकरियों पर खतरा है तो कई नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। हालांकि शर्त यहां पर यह है कि इसके लिए आपको खुद को अप टू डेट रखना होगा। तो फिलहाल कौन कौन सी कंपनियों में नौकरी के मौके बन रहे हैं, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे इन हाउस ऑटो एक्सपर्ट नंद कुमार नायर जुड़ गए हैं। नंद, नौकरियों के बड़े मौके की हम बात कर रहे हैं और जब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, अभी हाल ही में जो मार्च एंड के नंबर हैं ऑटो सेल्स के, वो तो शानदार रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नौकरी के मौके तो ऑटो सेक्टर में कहाँ है अवसर? बिल्कुल सही बात कही स्वाति आपने, एक लाइन में उस बात को कह दिया कि कहीं पर अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं पर रोजगार बढ़ भी रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में होता हुआ अपडेट। ऑटो सेक्टर जो कि GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, इस वक्त अगर हम बात करें तो 2017 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 12.8 मिलियन लोग गए जो कि सीधे या फिर परोक्ष रूप से ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है। और ये जो संख्या है 2020 तक करीब 14.10 मिलियन तक जाने की उम्मीद है। और ऐसे में जो है ना, ये समझना जरूरी कि आने वाले समय में ट्रेंड कैसे चेंज होने वाला है। शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि इस वक्त लग रहे हैं इंडिया में, क्योंकि 2020 तक ऑटो इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। यानी कि जो इस वक्त पैमाना है उससे 3 गुना और बढ़ने वाला है। जो ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करें, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा बढ़ने वाला है, इस लिहाज से काफ़ी सारे प्लांट आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जहां पे इस वक्त सबसे ज़्यादा प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो बड़ी कंपनी है उसमें मौजूद है, उसमें है किया मोटर्स। किया का एक बहुत बड़ा 16वां प्लांट है जो ऑल ओवर ग्लोब का है, जो यहाँ पे लग रहा है। और वहाँ पर करीब सीधे तौर पे करीब 3000 हैं जो कि फर्स्ट फेज में जिनको नौकरियाँ मिलने वाली हैं। परोक्ष रूप से अगर हम कहें 7000, और आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प अगेन जो कि आंध्र प्रदेश में प्लांट लगा रहा है, वहाँ पर करीब 12000 नौकरियाँ हैं जो कि हीरो मोटर कॉर्प मुहैया कराएगा। इसी तरीके से अशोक लेलैंड जिसने अभी अभी अपने प्लांट की घोषणा की है जो कि 2019 में शुरू हो जाएगा, वो वहाँ पे करीब 5000 नौकरियाँ जो आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक चाइनीज़ कंपनी है MG मोटर्स जो कि गुजरात के हलोल प्लांट से ऑपरेट करेगी, वहाँ पर आप लगा सकते हैं करीब 2000 नौकरियाँ। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो नौकरियाँ आ रही हैं इस वक्त, ये पहले की तरह नहीं है। इसमें आपको थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। 3D प्रिंटिंग, ग्राफिक्स, इंजीनियर्स हू अंडरस्टैंड मशीन्स, इंजीनियर्स हू आर इनटू रोबोटिक्स, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये इसी पॉइंट पर मैं इनफैक्ट नंद आ रही थी कि एक्चुअली यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस अब देने की बात कही जा रही है, क्योंकि वी हैव अ स्किल इंडिया ऑल्सो, और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रॉपरली एक पूरा सिस्टम भी है। That means auto sector में भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और जो लोग इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस तरीके के एज इन प्रोफाइल मौके उनके पास हैं?
और बिल्कुल सही आपने कहा कि स्किल इंडिया, और इसी के तहत इस वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो मारुति हो, बीएमडब्ल्यू हो, अपने प्लांट के आसपास लोगों को स्किल करने के लिए खुद ही इंस्टीट्यूट्स लगाए जा रहे हैं। गुजरात में पूरा वेंडर नेटवर्क, पूरा इकोसिस्टम है जो कि तैयार किया जा रहा है। अभी अभी बीएमडब्ल्यू ने पिछले दो हफ्ते पहले ही चेन्नई में इसकी शुरुआत करी स्किल इंडिया के तहत, जहाँ पर वो स्किल्ड जॉब जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग जो कि आने वाले समय में आपको देखने मिलेगी, या फिर इंजीनियरिंग साइड पर वो चीज़ें जो कि पेंट शॉप या फिर ग्राउंड से मुतल्लिक नहीं है, जो थर्ड स्टेज पे आती हैं, रोबोटिक्स संभालने में आती हैं, उनमें जो है नौकरियां जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि डेटा एनालिसिस जो है वो ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि बिग डेटा पे ही ज़्यादा काम हो रहा है। सीधे तौर पे ना हो, जैसे कि प्लांट में जो अगर 3000 नौकरियां, उन 3000 से 12000 नौकरियां और हैं जो कि क्रिएट होती हैं। जो 3000 लोग हैं वो सिर्फ बना रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों को बेचने से भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेल्स में हो, डीलर्स में हो। तो परोक्ष रूप से भी कई सारी नौकरियां हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं। जो ऑटो इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में, यकीन मानिए स्वाति, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा जॉब क्रिएटर है तो वो ऑटो इंडस्ट्री हो सकती है। नन, जस्ट टू गेट सम आइडिया, क्योंकि आपने आप काफी डिटेल में बताया है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर, स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं। अब वो लोग हैं, एक तबका वो है जो कि एक नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी पर जा रहा है, एक वो तबका है जो पहली बार नौकरी करेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हाँ मुझे अगर इस सेक्टर से, पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़ना है और मैंने उसके हिसाब से अपनी क्वालिटीज, मेरी जो एजुकेशनल क्वालिटीज वैसी हैं, सो मुझे मिलेगा कितना, मतलब हाउ मच इन टर्म्स ऑफ सैलरी विल आई गेट, तो ऐसा कुछ बेंचमार्क पैरामीटर है? दिस इज टफ टू से स्वाति, अगर मैं सच कहूं, क्योंकि जो इस वक्त इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है, इस वक्त एक चीज है जो कि बनाई जा रही है, मतलब पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो जॉब्स होती थी, जो कि मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ शॉप फ्लोर पे पेंट जॉब, वहाँ पे 100% ऑटोमेशन हो चुका है, पूरे के पूरे रोबोटिक्स हैं, यानी कि वो जो शुरुआती जो सैलरी वहाँ पे दी जाती थी फॉर एन इंटर्न और फॉर ए पेड गाय, वो जो IIT से निकल कर आते थे बच्चे, उनके लिए 20 से 30 हज़ार रुपये थी, जो कि शुरुआती ज़्यादातर मल्टीनेशनल MNCs दे रही थी, लेकिन अब वो जॉब जो है कम हो चुकी हैं, यानी कि अब मैनेजरियल लेवल पे, डाटा एनालिटिक लेवल पे, मैकेनिक्स लेवल पे जो नौकरियां हैं वहां पर आप पैमाना थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सालाना जो है वो जो मुझे जहाँ तक जानकारी है Hyundai किया या फिर इन कंपनीज में जो पैकेजेस शुरू होते हैं, वो सालाना पैकेज जो 15 से 16 लाख पे शुरू होते हैं, यानी कि शुरुआत में ही जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, और दीज आर वेरी हाईली स्किल्ड जॉब्स, और आप एट्रिशन रेट जो है ना, अगर सबसे कम किसी इंडस्ट्री में देखेंगे स्वाति, तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 11-11, 12-12 साल आपको एक ही प्लांट पे लोग काम करते हुए नजर आएंगे, हाँ डीलरशिप लेवल पे या सेल्स लेवल पे आपको थोड़ा बहुत चर्निंग दिखेगा, लेकिन वो भी इंडस्ट्री में ही रहता है। एंड नंद, इज इट ऑल ओवर इंडिया, आखिरी सवाल आपसे होगा ये, क्या हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहाँ कोई स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ऐसी? सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है स्वाति, वो दो स्टेट्स हैं, क्योंकि ये जो दो स्टेट्स हैं ना, ये इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने में सबसे आगे रहे हैं। एक आंध्र प्रदेश जिसने इस वक्त, अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया, तारीफ करनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, वो हर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाहर भी जा रहे हैं और इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोरिया के लिए जो है वो पूरा एक सिटी डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी तारीफ करनी पड़ेगी, कई सारी नई इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्टेट्स हैं जो कि इसमें पीछे रह जाएंगे, जो कि सदर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं, आंध्रा अच्छा है, लेकिन केरल और तमिलनाडु कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से थोड़ा सा धीरे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता था चेन्नई को, लेकिन चेन्नई अब इन लास्ट वन ईयर और सो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है, और इस लिहाज से ऑटो इंडस्ट्री में कम से कम नई जॉब ग्रोथ जो है उन स्टेट्स में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आंध्रा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन ऐसी जगह जहां पे ऑटो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा ग्रोथ है, वो भी वेंडर नेटवर्क के जरिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्लांट नहीं है, प्लांट के आसपास वेंडर नेटवर्क भी क्रिएट किया जाता है, और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में पूरा नया इकोसिस्टम है जो कि रेडी करने जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा ग्रोथ है जो कि आपको देखने को मिलेगी इवन प्लांट के आसपास, एज फार एज वेंडर नेटवर्क एंड जनरेशन फ्रॉम ऑटो कंपोनेंट इज कंसर्न्ड। सो दैट मींस बहुत सारे लोग होपफुल है यहाँ पर, एक एवेन्यूज जो क्रिएट होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। थैंक यू सो मच आनंद हमें इस पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट इस समय कई दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं जो नौकरियों के माहौल को बेहतर होने का दावा कर रही हैं। अब देश की बड़ी ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी टीम लीज का दावा है कि सेल्स सेगमेंट में खासतौर पर अगले 3 साल में 25 लाख रोजगार पैदा होंगे। इस रिपोर्ट में 10 स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का भी जिक्र है। बताया ये गया है कि अगर ये सभी रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो सेल्स सेगमेंट में 1 करोड़ तक नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे।
नौकरियां तलाश रहे लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे भारत में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां जॉब्स के मौके हो सकते हैं। भारत में सेल्स सेगमेंट में साल 2021 तक रोजगार के 25 लाख मौके बनाने की क्षमता है और ऐसा बगैर किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हो सकता है। वहीं अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो इस सेगमेंट में 2021 तक 1 करोड़ रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी टीम लीज की जॉब से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले FMCG और FMCD सेक्टर में ही 25 लाख में से करीब 30% रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। वहीं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में इनमें से आधे रोजगार क्रिएट हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के मौके बनाने की क्षमता मैक्रो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल फैक्टर्स के जरिए हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए GST का सिस्टम जैसे ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा, इससे ही कुछ सेक्टरों में 12% तक अतिरिक्त सेल्स जॉब्स पैदा हो सकती हैं। वहीं FDI ज्यादा आती है तो 50% अधिक सेल्स जॉब्स के मौके बन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न सेक्टरों में डिमांड सप्लाई मिसमैच को ऐसे कदमों से दूर करना चाहिए जिनसे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। इतना ही नहीं, खासकर अगले 3 सालों में दिल्ली NCR में ही सेल्स सेक्टर में 7 लाख नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे। इंडिया सॉल्यूशन टू सेल्स जो रिपोर्ट है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि हम लोगों का ग्रोथ सेल्स प्लेटफॉर्म के अंदर नेक्स्ट 3 ईयर्स में कैसे होने वाला है। सो जो रिपोर्ट सजेस्ट करता है वो ये है कि 2.5 मिलियन जॉब्स नेशन वाइड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स हम लोगों को डेफिनेटली होता हुआ दिखता है। इन दिल्ली NCR स्पेसिफिकली 1.75, इसका जो कोरिलेशन है वो ये है कि हम लोग जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्राउंड पे किस तरीके से हो रहा है एंड प्रिडोमिनेटली किन सेक्टर्स में हो रहा है। अगर आप रिपोर्ट में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो उसमें सैलरी किस तरीके से, किस टैलेंट में है, किस ज्योग्राफी के अंदर है, वो बहुत डिटेल्ड आउट प्लान तरीके से आपको मिलेगा। देखिए रिपोर्ट में एक बात और साफ कही गई है कि मॉडर्नाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप ने सेल्स से जुड़े कामकाज का स्वरूप बदल दिया है और ऐसे में सेल्स स्किल्स की काफी कमी महसूस की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और टूरिज्म में सेल्स स्किल्स की कमी 65% तक है, वहीं ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में ये 35% है। ऐसे में दोनों ही सेक्टर्स में नौकरियां तेजी से आएंगी। जो सेक्टर्स हैं वो जो प्रीडोमिनेंटली कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, FMCG, FMCD, ई कॉमर्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं ये बेनिफिटिंग सेक्टर्स हैं। और गेम अब जो सेल्स वाले के जो लोग रहेंगे, जो अपने आप को अपग्रेड अपस्किल कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रीमियम मार्केट में अवेलेबल है। सेल्स से जुड़े रोजगारों के मौकों को बढ़ावा देने वाले पहलुओं को गिनाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, कारोबार के विस्तार के साथ कैपेसिटी बढ़ाने और इनोवेशन के दम पर FMCG, FMCD, रिटेल और ई कॉमर्स में सेल्स जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में उन युवाओं और लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो क्रिएटिव तरीके से काम को अंजाम दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नौकरियों का बड़ा मौका, कहां कहां पर ये मौके आपके लिए खुल रहे हैं, उन लोगों के लिए जो पहली बार नौकरी करने वाले हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, चलिए बात करते हैं। हमारे इस वक्त जो खास पैनल है हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त अंकित अग्रवाला है, ही इज डायरेक्टर माइकल पेज, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई वो थोड़ी देर में इनफैक्ट हमारे साथ इस पूरे खास पेशकश में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ अजय शाह इज VP रिक्रूटमेंट सर्विसेज टीम लीज, जिसकी अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। हमारे साथ शैलेश सिंह है स्टूडियो में, ही इज VP हेड रिक्रूटमेंट बिजनेस पीपल स्ट्रांग। साथ ही हमारे साथ सुनील गोयल साहब हैं, ही इज MD ग्लोबल हंट। सो दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट पैनल भी है जो आपको एक्चुअली गाइड भी कर सकता है और ये रियलिटी रिपोर्ट भी दे सकता है कि आखिरकार अभी क्या स्टेटस है और किस स्टेटस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर एक रिपोर्ट जो हमने टीम लीज की भी देखी है, अब इसलिए हम अजय शाह जी आप ही से शुरुआत करेंगे। जिस एक डेवलपमेंट की इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ हम देख रहे हैं और जहां पर जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली पोस्ट डिमोनिटाइजेशन या फिर GST के बाद, एक थोड़ा लोगों के मन में डर था और देखा भी गया इन टर्म्स ऑफ नंबर की हाँ एक स्लो डाउन है, बट एक पॉजिटिव की एक होप नजर आती है। लेकिन यू थिंक ये ट्रेंड आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है, एज इट वॉज मैंशन इन द रिपोर्ट कि मोर ऑफ स्किल ड्रिवन अब जो जॉब्स हैं वो हमें अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिलेंगी। मतलब आपके पास अगर स्किल है तो यू आर वेलकम फॉर द जॉब। मिस्टर अजय शाह, ये सवाल आपके लिए।
ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के दे वर ऑल थॉट थ्रू और ये सब लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव थे. ये दिस वर नॉट फॉर एनी शॉर्ट टर्म गेन्स. जैसे आपने बताया डीमोनेटाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, मेक इन इंडिया है. दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स टू क्रिएट मोर जॉब्स इन द कंट्री. नाउ यू लुक एट रिफॉर्म्स जैसे कि फार्म टू नॉन फार्म है, इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टराइजेशन है. ये सब इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि एज अ कंट्री हमें वी शुड बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स. बट डेफिनेटली, लेकिन आपको कहां पर सबसे ज्यादा इसमें गुंजाइश दिखती है? डेफिनेटली वी हैव सम प्रोफाइल्स और जहां पर रोजगार बढ़ने के मौके जिसकी बात यहां पर की जा रही है. जैसे कि तो अगर आप फंक्शन की बात करते हैं, प्रोफाइल की बात करते हैं, द ऑब्वियस प्रोफाइल है सेल्स, जहाँ पे एंट्री इज इजियर टू स्टार्ट योर करियर. वो हिसाब से सेल्स विल बी द लार्जेस्ट कंजम्पशन इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स. और हमें लगता है कि करीबन 10 से 25 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे सेल्स में. 10 से 25 लाख, और ये कितने टाइम का एस्टिमेट सर आप बता रहे हैं? करीबन 18 महीने, नेक्स्ट 18 मंथ्स, 18 महीने में करीबन 10 से 25 लाख सेल्स जॉब क्रिएट होंगे. एंड जैसा हमने पहले भी कहा है कि जैसे कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है, वंस ये चेंजेस जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे जॉब क्रिएशंस बढ़ती जाएगी. ऑल राइट, हमारे साथ शैलेश भी हैं. इनफैक्ट हम जिस ट्रेंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट के अपने रिफॉर्म्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, और कुछ वैसे भी जो नौकरियां बढ़ रही हैं और आगे बन रही हैं, उसमें इस पूरे ट्रेंड को देखकर शैलेश आपको क्या लगता है कहां पर नौकरी के सबसे ज्यादा अवसर हैं? बिकॉज मिस्टर अजय शाह सेइंग कि ठीक है, अगले 18 महीने में हम सेल्स में खासतौर पर देखते हैं कि हाँ 25 लाख तक नौकरियां बढ़ने की संभावना है. आपका क्या अनुमान है? नहीं, स्वाति, मैं अजय से अग्री भी करता हूँ. सेल्स डेफिनेटली एक स्पेस है जहां जॉब्स काफी इंक्रीज होंगे. बट इसके अलावा जो एक हम ट्रेंड देख रहे हैं जो अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंपैक्ट कर रहा है, और इंडिया में इसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज लेड है, वो ट्रेंड है ऑटोमेशन का. और इसलिए मैं ये मानता हूँ, और जो हम अपने कस्टमर्स के साथ देख भी रहे हैं, जो इंजीनियरिंग जॉब्स हैं वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है. इंजीनियरिंग कस्टमर्स जैसे हनीवेल हैं, या मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी जो कस्टमर्स हैं जो काफी ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स हुए, महिंद्रा हुए, आई थिंक सभी जगह हम देख रहे हैं कि 10-15% का जो है इंक्रीज है इन द नंबर ऑफ पीपल दैट दे आर हायरिंग एवरी ईयर. सो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है ऑन इंजीनियरिंग साइड. दूसरा जो हमने देखा वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर को अगर आप देखें, वहां आज काफी बूम है. कुछ कस्टमर्स जिनके साथ हम काम करते हैं आज, आकाश इंस्टीट्यूट हुए या बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की भर्ती की जा रही है. तो वहाँ एजुकेशन एक सेक्टर है विच इज शोइंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स. एक जो तीसरा सेक्टर है जहाँ फिर से जॉब्स काफ़ी बढ़ी हैं वो है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल. आई थिंक जनरली इंडिया या गवर्नमेंट का जो पुश है अराउंड एजुकेशन, हेल्थ केयर, दैट इज हेल्पिंग इन गेटिंग मोर जॉब्स इनटू हेल्थ केयर एंड यू नो फार्मा सेक्टर. सो इंजीनियरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स. सेल्स जॉब्स के अलावा भी ये जो तीन सेक्टर्स हैं काफी सारे व्यवसाय के मौके उपलब्ध कराएंगे. और यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अगले कितने टाइम के, मतलब व्हाट टाइम पीरियड आर वी लुकिंग एट हियर? बिकॉज जैसा अजय शाह जी ने बोला है कि अगले 18 महीने, मतलब डेढ़ साल में हम देख रहे हैं 10-25 लाख लोगों के लिए सेल्स में नौकरी. तो आपने जो तीन हमें मेन एरियाज गिनाए हैं, उसमें कैसा टाइम पीरियड हमारे सामने है जो आपने कहा कि यहाँ पर नौकरी के और अवसर पैदा होंगे? तो इस साल जो हमने पीपल स्ट्रॉन्ग ने इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे किया, वो ये कहता है कि इस वर्ष यानी अभी से लेकर अगले मार्च तक 12-15% की वृद्धि होगी. फाइनेंशियल ईयर 18-19, करेक्ट, 12-15, करेक्ट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन ईयर, अगला एक साल जो है उसमें ये हमें इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज इन जॉब्स देखने को मिलेगा इन ऑल द एरियाज यू टॉकिंग अबाउट, बी इट इंजीनियरिंग, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर एंड फार्मा. ऑल राइट, सुनील गोयल सर, ये मैं इनफैक्ट आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर हमने सेल्स की बात कही, ये एक यहाँ पर जो एक सर्वे और ट्रेंड कहता है कि यहाँ पर अगले
डेढ़ साल तक हम एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ जॉब देख रहे हैं. चैलेंज सेइंग इन इंजीनियरिंग एजुकेशन सेक्टर हेल्थ केयर एंड फार्मा में ड्यू टू डिफरेंट रिफॉर्म पॉलिसीज ऑल्सो और कुछ जो यहां पर डिसीजंस लिए गए हैं उससे हम एक अच्छा अपसर्ज जॉब्स में देख सकते हैं 12-15% का. आपको सर क्या कहता है, लगता है ट्रेंड अभी कैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब और कितने टाइम पीरियड में हम कहां कहां पर एक अच्छा ट्रेंड देख सकते हैं अप ट्रेंड? देखिए जॉब मार्केट जो पूरी तरह ड्राइव होता है इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो लोकल कंजप्शन कितना है और दूसरा ग्लोबल डिमांड कितनी है. हमारा मार्केट नाइसली प्लेस दो सिनेरियो पे डिपेंड करता है. हमारा 50-60% डिपेंडेंसी आज के डेट में भी ग्लोबल मार्केट को सर्व करने में है, जहां पे कि हर इंडिविजुअल एक रेवेन्यू अर्न करता है और उस रेवेन्यू से एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, अंदरूनी प्रभाव पड़ता है. यानी जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं जाके शॉपिंग करूंगा तो उससे रिटेल इंडस्ट्री को बूम मिलता है और उससे रिटेल में जॉब क्रिएट होती है. तो आज की डेट में अगर पूरे मार्केट को मैं डिवाइड करूं दो पार्ट में कि ग्लोबल 50-60% और रिमेनिंग अगर हम 40-50% अगर डोमेस्टिक मार्केट में लें तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं या मेक इन इंडिया है या स्किल डेवलपमेंट है या हमारे कंट्री ने स्लोली ग्रेजुअली कैपेबिलिटी इतनी बिल्ड कर ली है ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से कि ये मार्केट अपने आप में सबसे बड़ा मार्केट बन गया है. तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, एक नया सेक्टर ऐड हुआ है माइक्रो फाइनेंस, रिटेल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस सर्विसेज के अलावा, जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो बहुत क्लियर कट ग्रोथ है, काफी ग्रोथ है उसके अंदर. टेक्नोलॉजी देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, हर टेक्नोलॉजी स्किल्स के लोग हमारे इंडिया में मिल जाते हैं जो कि दूसरे कंट्री में नहीं मिलते हैं. अगर हम फंक्शन स्पेसिफिक, ये तो इंडस्ट्री की बात होगी, अगर फंक्शन स्पेसिफिक बात करें हम तो सेल्स मार्केटिंग या फाइनेंस है या एचआर है या जो ऐसे कुछ जेनेरिक फंक्शन है जो हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं. तो आज की डेट में अगर डिमांड मैं ग्रास रूट से टॉप लेवल पे करूं तो मिड एंड सीनियर लेवल तो लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई जॉब क्रिएशन की. तो आज की डेट में अगर आप स्टार्टअप देखें, जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सेगमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, आपने ऑटोमोबाइल की बात करी, ऑटोमोबाइल को मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में लेता हूं और ट्रांसपोर्टेशन देखें तो हमारे यहाँ एक ऑटोमोटिव है, दूसरा लोकोमोटिव है और थर्ड एविएशन है. तो एविएशन एंड लोकोमोटिव इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट राइट, उसको अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट्स होता है, उसके बाद इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. बट अगर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को हमें इनहेंस करना है, हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हेल्प ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, तो वहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करता है. तो इट्स नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में रादर ऑटोमोबाइल सर्विसेज, ऑटो सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती है, चाहे वो टैक्सी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बस सर्विसेज हैं, टूरिज्म है, उसके पीछे सारा कुछ कनेक्टेड होता है. तो अगर आप इन सारी चीजों को क्लब करें तो मुझे लगता है कि सिनेरियो इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस राइट. सिर्फ एक दो सेक्टर अगर आप देखें तो टेलीकॉम आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहा है बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन है इंडस्ट्री में. रियल एस्टेट में स्ट्रेस है बिकॉज वहां पे भी कंसोलिडेशन है. एक दो इंडस्ट्री को अगर आप छोड़ दें, या ऑयल एंड गैस है जिसमें थोड़ा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्राइसिंग, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है सब में रेगुलर ग्रोथ है और हर फंक्शन में जॉब है. तो फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू सेल्स मार्केटिंग सप्लाई चेन एचआर यू नो लाइक टेक्नोलॉजी या जितने भी फंक्शन है सब में है और मुझे लगता है ग्रास रूट से ऊपर तक सब जगह आएगा. और बड़ी सिटीज के अलावा अगर आप मेट्रोज को भी छोड़ दें तो ये जॉब आपको टियर टू सिटीज में भी मिलेगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफैक्ट सुनील जी आई वाज कमिंग टू दैट और आपने मेरे एक्चुअली पॉइंट का एक लीड आउट दे दिया. और मैं एक्चुअली अजय शाह जी से यही पूछ रही थी कि जिन नंबर्स को हम यहां पर सर जिन को कोट कर रहे हैं या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इतने जॉब्स हम देख सकते हैं से फॉर एग्जांपल सेल्स में, बट एक होता है बड़े शहरों में जॉब क्रिएशन, एक होता है टियर टू टियर थ्री सिटीज में भी हम जॉब्स क्रिएशन की बात करते हैं, नए नौकरी के अवसर की बात करते हैं, वहां पर सिनेरियो कैसा है सर? सो अगर आप देखें तो रिटेल सेक्टर काफी संख्या में अब टियर टू और टियर थ्री सिटीज में मूव कर रहा है. नॉट ओनली शोरूम्स बट इवन द बैक एंड मूव कर रहा है इन द टियर टू एंड टियर थ्री सिटीज. मतलब वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा थ्रू द रिटेल सेक्टर. लॉजिस्टिक्स थ्रू द ई कॉमर्स इफेक्ट ऑल्सो इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स इन द टियर टू एंड टियर थ्री सिटीज. ऑल राइट सर. एंड शैलेश, बिकॉज मैंने यही स्किल्स की बात की थी, क्योंकि अब जब जो लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं या जो कंपनीज रिक्रूट करती हैं, आप हमें इनफैक्ट बता पाएंगे कि व्हाट डू दे लुक इन फॉर? एक प्रोफाइल है जो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर
उसका जो स्किल है उस जॉब के लिए कैसा है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा स्वाति कि आज एक एम्प्लॉयर जब एक कैंडिडेट से मिलता है वो ये जरूर देखना चाहता है कि वो एजुकेशन कहाँ से उन्होंने प्राप्त की है, किस तरह के एक्सपीरियंस से वो आए हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज वो ये है कि जो मुझे जॉब या मुझे जो काम कराना है, जिसको हम वर्क कहते हैं, बहुत सारे वर्क टाइप्स को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो एक जॉब बनती है, वो जो वर्क कराना है उनसे, उसके लिए वो स्किल वाइज कितना सूटेड है। और जब मैं स्किल की बात करता हूँ, ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ये कुछ एक्चुअली टेक्निकल से ज्यादा करीब 64% एम्प्लॉयर्स का ये कहना है कि जॉब में टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जो बिहेवियरल स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो हम बहुत ज्यादा ढूंढते हैं कैंडिडेट्स में। लोगों की शिकायत आज ये है कि हमें टेक्निकल स्किल्स रखने वाले लोग तो या कैंडिडेट्स तो मिल जाते हैं, बट वो कैंडिडेट्स जो टेक्निकल के साथ साथ राइट बिहेवियरल स्किल्स रखें, राइट सॉफ्ट स्किल्स रखें, वो मिलना, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये दो आस्क्स हैं। टेक्निकल स्किल्स जरूरी हैं जॉब के लिए, वो चाहिए होंगे हमेशा, लेकिन उसके साथ साथ बिहेवियरल और सॉफ्ट स्किल्स बहुत टू स्टे विद यू। मतलब आपका जो डिमीनर है, आप कैसे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कंडक्ट करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप में एबिलिटीज है वो कैसी है, इफ आई एम राइट शैलेश, वो भी किसी एक जो रिक्रूटमेंट जो शायद कंपनीज होती हैं वो देखती होंगी कैंडिडेट्स में। बट सुनील गोयल जी, इनफैक्ट मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं जो आप आईटी या आईआईटी आईएम्स है या अलग जो इंस्टीट्यूशंस है जहां पर ये तमाम जो कंपनीज हैं जो हम अलग अलग सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो प्लेसमेंट के लिए जाती हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें इस बार देखने को मिल सकता है? हाँ, मैं इसको अगर आपको समराइज करूँ तो एटीट्यूड प्लेज द यू नो लाइक मैक्सिमम रोल आज के डेट में सिलेक्शंस में, क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी कैंपस हायर के लिए जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा CGPA ज़्यादा और थोड़ा CGPA कम या थोड़ा 5% कम या ज़्यादा में बहुत ज़्यादा कंपनी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती आज के डेट में। तो व्हाट दे लुक एट टू थिंग्स, एक तो सबसे पहले कि एक इंडिविजुअल जिसको वो इंटरव्यू कर रही है उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, टुवर्ड्स द फंक्शन, टुवर्ड्स द वर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, उसके बाद उसका अगर इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक एरिया में तो ये जॉब सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से करना चाहते हैं या उनका इंक्लाइनेशन और इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में, इस फंक्शन में, तो वो डीप जाते हैं, तो वो इंटरव्यूअर को ज्यादा बता पाते हैं देन व्हाट दे नो अबाउट इट। तो हमने क्या देखा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत होता है और ये सिर्फ कैंपस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं जो कि IIT IIM के क्राइटेरियाज तो देते हैं बट वो रिजेक्शन भी उतना ही करते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो ठीक है, इनको इन्होंने रिपीट फंक्शन किया हुआ है, बट वी नीड टू नो समबडी हू कैन डू इनोवेटिव। तो इनोवेशन टुवर्ड्स द एटीट्यूड कि आज की डेट में अगर हर इंस्टीट्यूट को देखें जहां से भी बच्चे निकलते हैं, चाहे वो टॉप ग्रेड से निकले या मीडियम ग्रेड से निकले, 50% ऑफ देम वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो वो एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स द वर्क एंड फंक्शन होता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, उसका एटीट्यूड है। तो मुझे लगता है कि स्किल्स, फंक्शन, बाकी चीजों के अलावा आज के डेट में जो हर इंटरव्यूअर या हर कंपनी देखती है वो ये देखती है कि ये इंडिविजुअल इनोवेटिव है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, खुद इसको ड्राइव कर सकता है, इसके पीछे इसका एक इंटरेस्ट है, नॉट जस्ट इज कमिंग फॉर अ जॉब कि मेरे को कितना लाख यहाँ ज्यादा मिल जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को आज के डेट में देखने की जरूरत है और बड़ी और अच्छी जॉब्स इसी बेसिस पे मिलती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ द कंपनीज जहां पे हम हेल्प करते हैं मीडिया सीनियर लेवल पे या इवन कैंपस हायर में जहां हेल्प करते हैं कि IIT IIMs को, वहां पे ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अजय जी यही बात सामने आती है और मैं इसके बाद शैलेश आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी कि पहले एक कॉमन परसेप्शन थी कि सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी में भी ठीक है एक स्टेबल है और बहुत सारे उसके अपने एक बहुत सारे गुडी पॉइंट्स हुआ करते थे, लेकिन आपसे इनफैक्ट ये मैं समझना चाहूंगी कि जो लोग नौकरी चाहते हैं वो खुद किस सेक्टर में जाना पसंद करते हैं, इस पर कोई ट्रेंड सामने आया? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि द डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, सेइंग कि यू नो आप किसी भी ग्रेजुएट को पूछो तो सब मतलब सब चाहते हैं कि हम फाइनेंस में चले जाए, हम मार्केटिंग में चले जाए, बट यू नो देर आर वेरी फ्यू जॉब्स ऑन इन दैट फंक्शन, बट द लार्जेस्ट जॉब फंक्शन इज सेल्स। एंड वहाँ पर ये एटीट्यूड चेंज अब आ रहा है वेर
काफ़ी लोग यू नो काफ़ी आर इंटरेस्टेड इन सेल्स जॉब नाउ, दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर. कहीं ना कहीं शुरुआत करनी ज़रूरी है, ये एक एटीट्यूड चेंज आ गया है और हमने ये बदलाव देखा है और इसी बेसिस पे हम ये भी मानते हैं कि करीबन 10 से 25 लाख लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मैं इसी पर एक पॉइंट ऐड करके शैलेश आपके पास आऊंगी कि मतलब अब से कई साल पहले हम देखते थे कि दो फील्ड्स है, एक मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई. मतलब मैक्सिमम जो लोग नौकरी करना, बच्चे जो नौकरी करना चाहते थे मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे. अब काफी सारे एवेन्यू जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास उसको संभालने के लिए इतने सारे जो नौकरी बच्चे कर युवा नौकरी करना चाहते हैं उतनी फैसिलिटी है भी कि नहीं है? देखिए आज की डेट में तो शायद ना हो, बिकॉज आप सही कह रहे हैं. कुछ साल पहले तक हम लोगों के लिए दो ही तीन ऑप्शंस होते थे, या तो आप इंजीनियर बन जाइए या डॉक्टर बन जाइए या लॉयर बन जाइए. बट आज वो जो नौकरियों का परिदृश्य है वो काफ़ी बदल गया है. आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. सो आपने पहले पॉइंट रखा सरकारी नौकरियां वर्सेस प्राइवेट नौकरियां, तो वो ऑप्शन तो आज भी है. सरकारी नौकरियां आज भी काफी लोगों को लुभाती हैं क्योंकि वहां सिक्योरिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मिलती बड़ी मुश्किल से. कोई भी नौकरी मिलती मुश्किल से, बट मे बी सरकारी नौकरी पे शायद लोग ज्यादा सोचते हैं कि इट्स लाइक मोर सिक्योर. बट इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड एंड द नंबर्स आर नॉट गोइंग टू ग्रो फॉरएवर. बट काफी सारे अवसर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और वहां हालांकि शायद जॉब आज मिलना काफी आसान है क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा है. बट दूसरी चीज जो अच्छी हुई है वो ये है कि कई सारे डोमेन्स ओपन हुए हैं. आज आप सिर्फ वही दो तीन तरह की जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज आपके पास मीडिया में जॉब के अवसर हैं, आपके पास आज डिजिटल साइड पे काफी सारे अवसर हैं, मार्केटिंग के बहुत सारे रोल्स हैं. बट एक ट्रेंड जो मैं बहुत अलग सा देख रहा हूँ वो ये है कि गिग इकोनॉमी काफी किकिंग कर रही है स्वाति. आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी एस्पिरेशन एक फुल टाइम नौकरी की नहीं है. दे वॉन्ट टू बी अ गिग वर्कर, दे वॉन्ट टू बी वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट. एंड मेरा ये मानना है अगले 5 से 10 साल में हम देखेंगे कि बहुत सारी जो फुल टाइम जॉब्स हैं दे विल कन्वर्ट टू अ लॉट ऑफ गिग जॉब्स एंड दैट विल बी द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मी. Gig job means offbeat, you're trying to say? Offbeat, not full time on roles, contracts, specialized jobs where I have a capability that I can bring to the fore for an organization. तो मैं वो जाके उस organization के साथ शायद 2 महीना 3 महीना एक project based तरीके से काम करूं और उसके बाद मैं ऐसे ही projects pick करता रहूं in multiple other organizations. So that's one thing which is coming up very strongly and मुझे लगता है 5 से 10 साल और हम ये देख रहे हैं पश्चिमी देशों में ऑलरेडी हो रहा है, मुझे लगता है भारत में भी ये 5 से 10 साल. मतलब ये हम एक जो एक शिफ्ट इन ट्रेंड हम ये समझते हैं सुनील जी वो हम अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर पैमाना समझे, अगर हम 8 सेक्टर ग्रोथ की बात करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जैसे सेक्टर्स हैं, उसमें हम कहते हैं कि जॉब ग्रोथ के नंबर्स क्या हैं एंड दैट्स पैरामीटर हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को वैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं. पर देर अदर जैसे ही सही गिग जॉब्स या ऐसे ऑफबीट या ऐसे प्रोजेक्ट बेसिस हैं, बेसिकली वो हम एक शिफ्ट इन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में जो हमें शायद अगले 5 से 10 सालों में देखने को मिले. जरूर एक वो बहुत बड़ा शिफ्ट है और मैं एक बता दूं तो अभी तक हम डिस्कशन या डिबेट करते थे जॉब सिक्योरिटी को लेके. किसी भी कैपेबल आदमी को जॉब सिक्योरिटी को लेके आज के डेट में डर नहीं है और मैं देखता हूं कि जो अच्छे बच्चे हैं या जो टॉप इंस्टीट्यूट से आते हैं IIT IIM वो इंटरप्रेनर क्यों कैंपस से आते ही बन जाते हैं या एक साल में क्यों बन जाते हैं, क्यों उनको ये पता है कि वो कैपेबल हैं और 6 महीने 1 साल या 2 साल के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर उनका बिजनेस इंटरप्राइज सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी उनको कोई ना कोई जॉब दे देगा. तो कैपेबिलिटी जो है वो एक प्राइम फोकस है और कैपेबिलिटी भी जो है एज ए सब्जेक्ट मैटर यू नो एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिस्ट की तरह कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि ये एरिया आपको अच्छी तरह से आता है. अब वो टेक्नोलॉजी हो सकता है, वो कोई फंक्शन हो सकता है, वो किसी चीज का एग्जीक्यूशन हो सकता है, वो इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. तो जब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है और एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की आपकी एक आदत है, यू नो कि आप कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के उसका आप सॉल्यूशन सामने लेके आते हैं,
तो आपके लिए बहुत सारे जॉब एवेन्यूज हैं जो ओपन हैं। और जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बेस्ड जॉब, वो नीड ऑफ द आवर है मुझे लगता है आज के डेट में, क्योंकि हर कंपनी आज के डेट में आउटसोर्सिंग की बात करती है विद इन द कंट्री। पहले बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ आउटसोर्स होता था, आज के डेट में हमारी विद इन द कंट्रीज में आउटसोर्सिंग होती है, क्योंकि हर कोई एक स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ 12 महीने बिठा के काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उतना काम ही नहीं होता है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास ये काम 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए, तो कोई एक स्पेशलिस्ट आए इस काम को कर दे, मैं उसको 1.5 गुना पैसा दे दूंगा और वो फिर उसके बाद अपना दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ ले। तो इंडिविजुअल भी ज्यादा अर्न कर लेता है उसमें, अगर आप देखें तो उसकी अर्निंग बढ़ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कंपनी को भी 12 महीने की लायबिलिटी नहीं रहती है फ्रॉम अ कॉस्ट एंड अदर कंप्लायंसेस पर्सपेक्टिव कि उसको इतना देना ही है। तो इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है दोनों तरफ से। अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी में था, बट आज की डेट में देखें तो टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड चला गया। फाइनेंशियल सर्विसेज है या इंजीनियरिंग है या कोई भी एक्सपर्टीज है, ऑयल एंड गैस में ऐसे बहुत होते हैं डिमांड, जहां पे कि एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिटायर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे वो बोलते हैं आपका पर डे का कॉस्ट होगा, आप आइए और आपको ये पे करेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो शायद पूरे दिन पूरे साल में 15 दिन के लिए चाहिए या 20 दिन के लिए चाहिए, उसके लिए कोई भी कंपनी ना फुल टाइम एम्प्लॉय करना चाहती है ना इंडिविजुअल के लिए वो ग्रोथ है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और ये एक्सेप्टेंस है बोथ द साइड से, कंपनीज एज वेल एज फ्रॉम इंडिविजुअल के एंड से, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कंपनी के लिए कम कॉस्ट है और इंडिविजुअल के लिए ज्यादा अर्निंग है इसमें। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ। इनफैक्ट मिस्टर अजय शाह, यहाँ पर क्योंकि टीम लीज की ही रिपोर्ट में ये कहा गया कि ठीक है, आपने एक टेंटेटिव नंबर दिया कि हाँ 25 लाख तक जो जॉब्स है वो क्रिएट करने की क्षमता है अगले 1.5 साल में, वो भी बिना किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के। तो अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाते हैं तो ये नंबर और भी बढ़ सकता है, दैट मींस। तो कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेनली फ्रॉम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेनली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द शिफ्ट ऑफ फार्म टू नॉन फार्म, हाउ कैन वी फॉर्मलाइज जॉब्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई थिंक ये दो सेक्टर में अगर फोकस किया जाए तो जॉब्स कैन मल्टीप्लाई। एंड देन शिफ्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो सर, कि वहां पर भी इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर, सो दैट इज इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वेजेस डेली वेजेस पे अब काम चल रहा है, वहां पे कोई कंप्लायंस नहीं है, वहां पे कोई कवरेज नहीं है एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है, यू नो योर मेडिकल कवर होता है, जैसे कि वो सब व्यवस्थाएं आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोर देन 95% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इनफॉर्मल। इनफैक्ट नाउ कमिंग टू शैलेश, नाउ कमिंग टू द मनी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ऑफ कोर्स आप नौकरी करते हैं तो आपको उसका मॉनिटरी बेनिफिट तो होना ही चाहिए। अब आप किसी भी सेक्टर में जाएं तो अगर आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज मिल रहे हैं तो आज के टाइम में यू शुड बी पेड ऑल्सो वेल। तो अगर मुझे नौकरी करनी है नहीं तो मैं पूछूंगी ठीक है मेरे क्वालिफिकेशन या मेरे स्किल के हिसाब से मुझे कितना पैकेज मिल सकता है। तो अभी मतलब एक जैसे आपसे आइडिया लेना चाहेंगे कैसा ट्रेंड चल रहा है अभी? बहुत ही एवरेज है, मैं कुछ खास बदलाव नहीं देखे पिछले कुछ वर्षों में। और काफी दो एक्सट्रीम्स हैं, कुछ स्किल्स जो आप देखेंगे बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, आई थिंक वहां कुछ जो स्किल्स हैं जो आगे भविष्य के स्किल्स होने वाले हैं, वहां स्काई इज द लिमिट। You can ask for something and you'll most probably get it. Maybe I can say ki what are the high paid jobs or high paid areas जहाँ पर आगे अच्छे increment की भी संभावना है। Correct. So अगर आप पूरा robotics, automation, data science, पूरा वो जो सेगमेंट उठा के देखेंगे वहां ऑलरेडी सैलरीज आर टचिंग द सीलिंग, और मुझे लगता है वो आगे कुछ टाइम तक ट्रेंड रहेगा बिकॉज डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा है। आज अगर आप डेटा साइंटिस्ट ढूंढने जाएं तो आपको शायद चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो दूसरे ट्रेडिशनल जॉब्स देखेंगे, अजय ने बात की बहुत सारी सेल्स जॉब में इंक्रीज होगा, वहां जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं सेल्स, मार्केटिंग, HR, operations, business roles जो हैं, वहां एक औसतन 5-10-12% का जो है सालाना इंक्रीज देखते हैं सैलरीज में। सीनियर रोल्स पे थोड़ा ज्यादा रहता है, 20-25% तक का इंक्रीज हम देख पाते हैं, बट मिड मैनेजरियल टू जो नीचे वाली जॉब्स हैं वहां हमें दिखता है 5-10-12% का इंक्रीज हर साल होगा। सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, जो नीश जॉब्स हैं वहां देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो
बेस लाइन टू दैट नंबर, बट जो नीचे वाले जॉब्स हैं वहाँ काफी रैशनलाइज नंबर्स और फिगर्स हैं 5-15% के बीच में. ऑल राइट, बट सुनील जी, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमें नौकरी चाहिए, पर हमें नौकरी क्रिएट भी करनी है, दूसरों को भी नौकरी देनी है. पर शायद अब थोड़ा बहुत हम ये भी देख पा रहे हैं कि ठीक है, आप एक कोई स्टार्टअप खोलते हैं, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने कंपनी खोली और मैंने अपने अंडर कुछ एम्प्लॉयज रखे, अच्छी खासी उन्हें सैलरी दी, बट फॉर सम रीजन वो नहीं चल पाया. अब क्योंकि उसको अच्छी सैलरी मिलती थी, अब कहीं और नौकरी करने जाना है, इनकेस अगर मेरे जो एम्प्लॉयर है किसी और कहीं और जगह नौकरी करने जाना है, तो वहां पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन भी देखने को मिल रहे हैं, एंड उसमें उस सिचुएशन में क्या करें, और ये बहुत ट्रेंड बहुत चल रहा है अभी. हाँ, ये सिचुएशन तो डेफिनेटली आती है, क्योंकि किसी भी एक कंपनी का जो इंसेप्शन होता है वो सीड कैपिटल से होता है, जहाँ के एंटरप्रेन्योर अपने खुद जेब से और सेविंग से पैसा लगाता है. उसके बाद उसकी राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री की फंडिंग्स होती है बेस्ड ऑन द बिजनेस जितना ग्रो करता है. और जब आप उस चीज़ के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने के दो तीन तरीके होते हैं. एक होता है कैश कंपोनेंट, जो आप सैलरी में देते हैं, और दूसरा होता है काइंड कंपोनेंट, जो कि आप ईसॉप्स या यू नो स्टॉक ऑप्शंस के रूप में लोगों को ऑफर करते हैं, कि अगर कल को कंपनी की ग्रोथ होती है तो आपको इसको साथ साथ में बेनिफिट मिलेगा. और उसमें बहुत सारे होते हैं अच्छे लोग, जो बड़ी सैलरीज पे भी होते हैं, वो छोड़ के भी आते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कट लेते हैं या सिमिलर सैलरी पे आते हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के इंडिविजुअल्स का, राइट. और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो तभी आती है जब उनको लगता है कि इस बिजनेस मॉडल में कुछ दम है. ये एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है आज के डेट में, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, लोगों की रिक्वायरमेंट है. अगर इसको हमने सक्सीड किया तो शायद ये बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है. तो वो देखिए, वो तो एक सेगमेंट है जो उसके लिए तैयार होता है, बट हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता. हमें वो भी देखना पड़ेगा कि हर कोई उसके लिए तैयार नहीं होता. तो एक दूसरा जो सेगमेंट है आज के डेट में देखे, जो कि उस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बोलते हैं अगर मेरी सैलरी 100 है तो 100 से नीचे नहीं जानी चाहिए, बाकी हम कर सकते हैं. तो उसमें अगर आप देखें तो ग्लोबली, अगर ग्लोबल मैप को उठा के देखें और इंडस्ट्री स्पेसिफिक, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मैं सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट हैज बीन हाईएस्ट पेड यू नो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो. अब उसके अंदर फंक्शंस आ जाते हैं. इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि बैंक में जो भी काम करते हैं सबको हाईएस्ट सैलरी मिलती है, क्योंकि वहाँ भी सेल्स के लोग होते हैं, वहाँ भी मार्केटिंग के लोग होते हैं, वहाँ भी एचआर होता है, फाइनेंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, हर चीज होता है. बट जो कोर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, राइट, जो कि एक कोर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रॉड कंट्रोल, वैल्यूएशन कंट्रोल्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जो लोग होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होता है, वहां सैलरी ज्यादा होता है. तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस बिजनेस में भी जितनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पे सैलरी का लेवल उतना ज्यादा होता है. जहां वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कम होती है वहां सैलरी का लेवल कम होता है, और ये इंडस्ट्री अपने आप पैरामीटर्स बना देती है इस चीज का. तो आज की डेट में डिमांड सप्लाई के भी चीजों को देखें तो अगर हम डेटा साइंटिस्ट या रोबोटिक्स या एनालिटिक्स की बात करें, शायद 3 साल पहले इसके लिए लोग उतने अवेलेबल नहीं थे, बट आज के डेट में 3 या 4 साल में इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी फुल कर ली है, काफी बढ़ गए लोग. हर साल आपको अच्छे बच्चे मिलते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं. तो स्लोली ग्रेजुअली सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो रहा है. बट अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक से देखें तो आज की डेट में कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेज या कहीं से भी कैंपस रिक्रूट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करके होता है, तो एवरेज सैलरी 4-5 लाख या 6 लाख कोई भी कंपनी देती है एक फ्रेश लेवल के बच्चे को, जिसमें कि उसके फिक्स कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो सैलरी का कॉम्पोनेंट बढ़ता है. तो हम जनरली एक टर्म यूज करते हैं एक्स, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2x है या 3x है या 4x है, बट वो फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल नहीं होता है. बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है तो 5 साल में आपकी सैलरी 10-15 लाख हो सकती है, यानी 2x या 3x हो सकती है. बट कुछ स्किल्स को छोड़ दें, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एल्गो डेवलपमेंट कोई कर रहा है तो उसके लिए टोटल मिला के 30-40 लोगों की रिक्रूटमेंट होती है वहां, तो शायद 3 साल में भी 50 लाख दे देते हैं. तो वो वैरी करता है स्किल टू स्किल और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अगर जनरल ट्रेंड देखें तो 2-3 साल में 5-10 लाख मिल जाती है. ठीक है, इनफैक्ट हमारे साथ अंकित अग्रवाला भी जुड़ गए हैं डायरेक्टर मार्केट पेज, और जिसकी रिपोर्ट भी हमने अपने शो में दिखाया. अंकित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इनफैक्ट शो में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी जिस रिपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट सेज कि नौकरी के लिहाज से अच्छे दिन आने वाले हैं. तो प्लीज टेल आवर व्यूअर्स जो कि नौकरी ढूंढ रहे हैं या एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा. बिग पिक्चर अभी यही है कि मोस्ट सेक्टर्स में जॉब की डिमांड इंक्रीज हुई है,
हायरिंग की डिमांड इंक्रीज हुई है और आपकी जितनी स्पेशलाइजेशन ज्यादा है आपके उतने चांसेस ज्यादा हैं जॉब पिकअप करने के. अगर हम सेक्टर या फंक्शनल एरिया देखें तो टेक्नोलॉजी में काफी जॉब्स जनरेट हुए हैं. अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा सिक्योरिटी जैसे एरियाज में एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो ये एरियाज काफी डिमांड में है आजकल. अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्स हैं, जैसे आप प्लांट हेड या मैन्युफैक्चरिंग हेड हैं, आप क्वालिटी में हैं, आप हेल्थ एंड सेफ्टी में हैं, तो इन एरियाज की भी काफी डिमांड है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में हमने काफी इंक्रीज देखा है हायरिंग डिमांड में गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव के साथ. कुछ और एरियाज भी हैं जिनमें जॉब्स का पिकअप अच्छा रहा है. एक लीगल एरिया में भी हमने देखा है कि काफी डिमांड रही है जॉब्स की. लिटिगेशन स्पेशलिस्ट, कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये जो लीगल की फील्ड्स है इनमें काफी डिमांड आगे रही है. और सप्लाई चेन के एरिया में भी हमने देखा है कि काफी जॉब्स की डिमांड बढ़ी है पिछले 12 महीनों. अंकित, इज इट मतलब क्या इसका जो स्प्रेड है वो कैसा है, मतलब मेट्रो सिटीज में कितना या टीयर टू या टीयर थ्री सिटीज में कितना परसेंट ग्रोथ हम देखने की यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑल्सो? सी, हमने मेट्रोज और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कोई स्पेसिफिक सेपरेट डेटा एनालिसिस नहीं करा है, पर अगर आप देखें तो इंक्रीज जॉब दोनों जगहों पे है और स्पेशली टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में काफी इंक्रीज हो रहे हैं जॉब डिमांड में. जहां पहले कंपनीज के सेटअप नहीं थे टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में, अब हम देखते हैं कि काफी सेटअप भी हैं और डिमांड भी हो रही है जॉब की आउटसाइड ऑफ द मेट्रो. और मतलब एक हम बात करते हैं अंकित के एंट्री लेवल जो कि बिल्कुल नया नया कोई है जिसको जॉब करनी है, और एक है जो एक्सपीरियंस पोजिशन पे है, तो सबसे ज्यादा जो ये इंक्रीज है कौन से लेवल पर देखी गई है? हमने ज्यादा इंक्रीज देखी है थोड़े एक्सपीरियंस लेवल पे जहां आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल है. अगर आप अभी इकोनॉमी में नए एंट्रेंट हैं, आप फ्रेशर हैं, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पर जो ज्यादा इंक्रीज देखे गए हैं वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स के डिमांड हमने ज्यादा देखी. दैट मीन्स यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्ड प्रोफेशनल्स, मतलब जो अभी न्यू एंट्रेंट्स भी है उनको उनके स्किल के हिसाब से जांचा और परखा जाएगा आने वाले टाइम में, ट्रेंड यही कहता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हाँ, एंड व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, बिकॉज कैसे आने वाले टाइम में कैसे हाइक की हम बात करें, इंक्रीमेंट की हम बात करें तमाम सेक्टर्स जिसके अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में हमने जिक्र किया और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल, जितनी आपकी स्पेशलाइजेशन ज्यादा है उतना आपको पे भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज जनरली अभी हमारी इकोनॉमी और इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, बिकॉज आज हर कंपनी को हर पर्सन से कुछ डेफिनेट इम्पैक्ट चाहिए कंपनी में. वो दिन चले गए जो आप जनरल स्किल्स लेके आते थे और कंपनी में काम कर सकते हैं, आज सबको स्पेशलाइजेशन चाहिए. ऑल राइट, तो मे बी स्किल जो है, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन इज द की. थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ. आप बहुत थोड़े टाइम के लिए ही जुड़े बट आपने बहुत अच्छे से हमें इनफैक्ट ये समझाया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बहुत ही क्लियरली कही गई है, बहुत अच्छे से बताई गई है. सो शैलेश, एनीथिंग यू वॉन्ट टू एड अप एंड कंक्लूड एंड ऑफ द शो कि अब उन लोगों के लिए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो किस तरीके की तैयारी करें? बिकॉज ये तो क्लियर हो गया है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और जो स्पेशलाइज्ड हैं उनके लिए नौकरी के ज्यादा मौके हैं, बट हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ. मुझे लगता है जॉब्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व करके वर्क का कॉन्सेप्ट बन जाएगा. अगर आज आप देखें, अगर एक ड्राइवर की नीड है तो आपको ड्राइवर एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है. उबर जैसी कंपनियां जो ये सोल्यूशन लेके आई जहां आप और हम उबर के साथ रजिस्टर करके ड्राइव कर सकते हैं और किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो जो वो काम है विच इज ट्रैवल इन दिस केस, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड एंड वो नेसेसरली जॉब के थ्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो वो एक बदलाव जरूर होगा सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जहां हम देखेंगे जॉब से हम मूव करेंगे वर्क की तरफ. और जब मैं वर्क की बात करता हूँ, ह्यूमन बींग्स ब्रॉडली पांच तरह के काम करते हैं. हम फिजिकल काम करते हैं, हम कॉन्वर्सेशनल काम करते हैं, हम डिजाइन रिलेटेड काम करते हैं, हम थिंकिंग रिलेटेड काम करते हैं, और अब कुछ काम हम इमोशनल सेंसरी एबिलिटीज के थ्रू करते हैं. जितनी जॉब्स में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट फिजिकल या कॉन्वर्सेशनल कामों का है वो जॉब्स एट रिस्क हैं. तो मैं कहना चाहूंगा लोगों से, युवाओं से जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं या वर्कफोर्स में हैं, कि खुद को अपस्किल करें. डिजाइन थिंकिंग रिलेटेड जॉब्स जो हैं, डिजाइन ओरिएंटेड जॉब्स जो हैं,
या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, कॉग्निटिव स्किल्स रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो स्किल्स खुद में बिल्ड करें, बिकॉज फ्यूचर जो होगा वो इन्हीं जॉब्स को बिल्ड करेगा। एब्सोल्युटली, और गवर्नमेंट को इसके लिए काफी ज्यादा काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि वो टारगेट भी पूरा करना है सबको नौकरी देने का। एंड रिमेम्बर 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तब फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, अब जब 2019 में इलेक्शन होंगे तो मतलब वो नौकरी ढूंढने की तैयारी में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, रास्ता काफी बड़ा है, हम एक बड़े नंबर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करें, जिनको नौकरी की यहाँ पर जरूरत है। बट थैंक यू सो मच सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर राजेश शाह, शैलेश सिंह एंड सुनील गोयल साहब हमारे साथ इस खास पेशकश में ज्वाइन करने के लिए हमें। तो इस जी बिजनेस स्पेशल में बस इतना ही आज के लिए।